नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आज आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 150 प्रश्न देने का वादा किया था, तो 50 प्रश्न का फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए सभी के सभी इंपोर्टेंट लिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका अच्छा प्यार मिला, इसलिए सेकंड पार्ट हम जल्दी बना रहे हैं। इस पर भी अच्छा प्यार देना, ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, टोटल 100 प्रश्न यहां पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। सिगमंड फ्रायड का कहना है कि क्या कहना है, यहां पर देखिए चार विशेषता दी हुई है। सिगमंड फ्रायड की कौन सी विशेषता है, यह पूछा गया है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, या फिर शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। सिगमंड फ्रायड का क्या कहना है, या फिर सिगमंड फ्रायड की कौन सी परिभाषा है। तो याद रखिएगा, इनका कहना है कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। किसका कहना है, सिगमंड फ्रायड का। यहाँ पर शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये भी पूछा जाता है, ये किसका कहना है, तो ये वैलेंटाइन का कहना है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसका कहना है, तो ये कोल एवं ब्रूस का कहना है। कल भी मैंने ये चीज़ें बताई थी, आज फिर मैं बता देता हूँ। चौथा विकल्प आपका है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, ये किसका कहना है, तो ये जोन लोग का कहना है। इनका कहना है जो शिशु का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट होता है। यदि पूछा जाए कि किसका कहना है, तो याद रखिएगा ये जोन लोग का कहना है। अगला प्रश्न, संचय काल होता है, जो संचय काल होता है कब से कब तक का होता है, जन्म से 3 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष का, 6 से 9 वर्ष का, या फिर 9 से 12 वर्ष का। तो जो संचय काल होता है ये 6 से 9 वर्ष का होता है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा देने वाले कौन है, हेडो रिपोर्ट है, फ्रेडरिक ड्रेसी है, जिन प्याजे है, या फिर AAPIL। यहाँ पर जो परिभाषा दी है ये किसके अनुसार दी गई है, तो याद रखिएगा ये जिन प्याजे के द्वारा दी गई परिभाषा है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया, स्टेंग के वैलेंटाइन के, रास के, या फिर गेसल के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये गेसल का। इनका कहना है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष में से भी दुगना सीख जाता है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यहाँ कथन देने वाले कौन है, जोन एंड सिप्सन है, गेसल है, स्टेनले होल है, या फिर जन प्याजे हैं। यहाँ पर जो कथन दिया गया है, जो परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा ये स्टेनले होल के द्वारा दी गई परिभाषा है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है, यहाँ पर देखिए जो बालिकाओं की लंबाई है वो बालकों से अधिक किस अवस्था में होती पूछा गया है। किशोरावस्था के अंत में होती, बाल्यावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती, या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में होती हैं। तो राइट आंसर आपका होगा बाल्यावस्था में। याद रखिएगा बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में बालकों से अधिक होती हैं। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, आलोचना करना, गलती निकालना, या फिर नकारात्मक व्यवहार करना। किशोरावस्था में पूछा गया है कि बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यकता है, तो उसे क्या सहयोग देना चाहिए, अभिप्रेरणा का। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। नाजुक अवस्था, यहाँ पर देखिए मैंने इसका स्टोरी में भी आपको ये प्रश्न लगाया था और आपने बहुत सारों बच्चों ने सही आंसर दिया था कि नाजुक अवस्था कौन सी होती, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या फिर 13 से 18 वर्ष। तो सभी बच्चों ने लगभग 98% जो बच्चे हैं उन्होंने सही आंसर लगाया था। जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो नाजुक अवस्था होती हैं। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है, माता पिता का, चलचित्रों का, या फिर शिक्षक का। देखिए किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है, तो किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है। ये जो प्रभाव पड़ता है याद रखिए किशोरावस्था में पड़ता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास नहीं है। यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। प्रेम, दया, सहानुभूति आदि संवेगों का विकास, ईर्ष्या, द्वेष आदि संवेगों का विकास, जिज्ञासा संवेग का विकास, संवेगों में तीव्रता व उग्रता नहीं रहती। तो बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है, संवेगात्मक विकास कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर प्रेम, दया, सहानुभूति आदि संवेगों का जो विकास है यह बाल्यावस्था में नहीं होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, संरक्षणात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या फिर बौद्धिक होते हैं। तो देखिए शैशवावस्था में पूछा गया है, तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। कौन से होते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वहाँ विकास की किस अवस्था में है ये आपको बताना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा किशोरावस्था में। यहाँ पर आप यदि वर्ष आपको पता होगा कि कितने से कितने वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है तो डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं किस अवस्था में है, किशोरावस्था में होगा। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टेंग के, एडलर के, गेशल के या फिर मन के? राइट आंसर आपका होगा ये एडलर के द्वारा दिया गया कथन है। इनका कहना है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या फिर स्थिरता है? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? तो याद रखेगा हमेशा क्या होगा? परिवर्तन होगा। एकदम जो बच्चा होता है उसमें परिवर्तन होता है, एक नया जन्म लेता है, जभी तो नया जन्म भी कहते हैं किशोरावस्था को। तो यहाँ पर परिवर्तन आपका सही आंसर होगा। विभिन्न वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, कौन से वर्ष में करने लगता है? 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या फिर 7 वर्ष में? तो याद रखिएगा जो विभिन्न वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, वह बच्चा कितने वर्ष का होगा? 7 वर्ष का होगा, यानी कि 7 वर्ष, यानी डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? यहाँ पर शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप पूछा गया है, क्या होना चाहिए? सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, खेल कूद की छूट नहीं दी जानी चाहिए, अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए या फिर अनुकरण और खेलकूद द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए? तो यहाँ पर शैशवावस्था के बारे में पूछा गया है, तो अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण? तो यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है कि बाल्यावस्था में बालक कौन से दृष्टिकोण को अपनाना आरंभ करता है, तो वह यथार्थवादी दृष्टिकोण, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है, अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतम विकास की स्थिति में या फिर नकारात्मक रूप में? तो किशोरावस्था में जो मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं ये उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो बी वाला जो विकल्प होगा यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। शैशवावस्था में शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है, शिशु संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, संवेगों में उग्रता व तीव्रता नहीं होती है या फिर ए एवं बी दोनों सही? तो यहाँ पर शैशवावस्था में पूछा गया है, तो याद रखिएगा शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है ना कि उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में मानसिक एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से या फिर अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में? तो किशोरावस्था में जो मानसिक या बौद्धिक विकास होता है ये बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
वाक् शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था निम्नांकित में से कौन सी कही गई है? भाव संकेत, रोना या चीखना, बल बलाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए वाक् शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था पूछी गई है और सबसे पहली अवस्था होती है रोना या चीखना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? देखिए निम्न स्तर पर कौन सी अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवा अवस्था? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बाल्यावस्था। याद रखिएगा बाल्यावस्था में जो काम प्रवृत्ति है ये निम्न स्तर पर होती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। आपने चार विकल्प पढ़े, यदि अच्छे से पढ़े तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मन, वाटसन, फ्रायड या फिर ब्रिजेज? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो दी गई परिभाषा है ये वाटसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था या फिर टोली पूर्व अवस्था? तो याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में सही कथन बताना है तो इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद का प्रसार होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा किशोरावस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद का प्रसार होता है। देखिए आठ प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी आपको वहाँ पर जानकारी प्राप्त होने वाली है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है? यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? मन, थॉर्नडाइक, जोन्स या फिर कर्ल व ब्रूस के? राइट आंसर आपका होगा कर्ल व ब्रूस। इनके द्वारा कहा गया है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव? तो यहाँ पर बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी गई है तो ये सामूहिकता की भावना इसके प्रमुख विशेषता होगी। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। खतरनाक या फिर अपीली काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि फर्स्ट पार्ट आपने देखा है तो आप फटाक से इसका आंसर लगा सकते हैं कि खतरनाक काल या फिर जो अपीली काल है ये शैशवावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित कौन सा जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, सामूहिक खेलों में रुचि लेना, टोली बनाना, क्षणिक मित्रता या फिर प्रशंसा पाने की इच्छा। यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है बाल्यावस्था में पूछा गया है तो वह क्षणिक मित्रता आपका सही आंसर होगा। शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? न्यूमैन, एडलर, रास या फिर ब्रिजेल? राइट आंसर आपका होगा रास। दिया गया कथन रास के द्वारा दिया गया है कि शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। किसके अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है? ये किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो, किलपैट्रिक, वैलेंटाइन या फिर जॉन्स? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये जॉन्स की दी गई परिभाषा है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हरलक के अनुसार शैशवावस्था का काल होता है, यहाँ पर देखिए अवधि आपको बताना है शैशवावस्था की, लेकिन हरलक के अनुसार बताना है, जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर 7 से 14 वर्ष। तो यहाँ पर हरलक के अनुसार शैशवावस्था की जो अवधि होती है या फिर जो काल होता है वो जन्म से 2 सप्ताह का होता है। बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यहाँ कथन किसका, यहाँ परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक की, बर्ट की, एडलर की या फिर स्ट्रेंग की? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये बर्ट की परिभाषा है। इनका कहना है कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते
ना हो यहाँ कथन किसका है, क्लेपेट्रिक का, गेसेल का, एडलर का या फिर स्ट्रेंग का, तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये स्ट्रेंग का कथन है। इनका कहना है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो कि 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये स्ट्रेंग का कथन है। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है, ये प्रश्न मैंने पूछा था और काफ़ी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। लगभग 92-93% बच्चों ने इसका आंसर दिया था और 20,000 से 25,000 बच्चों ने इसका आंसर दिया था, तो लगभग सही दिया था। तो जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है, उत्तेजना, क्रोध, प्रेम या फिर भय, तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तेजना। बहुत सारे बच्चों ने भय बताया था, तो याद रखिएगा जन्म के समय शिशु में भय का जो संवेग है ये नहीं होता है, कौन सा होता है, उत्तेजना होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, यहाँ कथन किसका है, जन प्याजे का है, सेलोर तथा मेयर का है, अब्राहम मास्लो का है या फिर ब्लेयर जोन से एवं सिप्सन का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये ब्लेयर जोन से एवं सिप्सन का कथन है। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए पाठ्योत्तर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए, दंड देना चाहिए, कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना चाहिए या फिर शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग करना चाहिए। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को पाठ्योत्तर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए। शेषवाकाल या फिर शेषवावस्था में अभाव पाया जाता है किसका, नैतिकता का, अनुकरण की प्रवृत्ति का, क्रिया में आवृत्ति का या फिर प्रासिकता का, शेषवावस्था में अभाव किसका पाया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा नैतिकता का। याद रखेगा जो शेषवावस्था में अभाव पाया जाता है वो नैतिकता का पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक रिबेल ने निम्नांकित में से बच्चों की क्रिया को आपाश्वसन कहा है, किसको कहा है, रुदन को, हाव भाव को, बलबलाने को या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं, तो इन्होंने रुदन को कहा। याद रखिएगा रुदन को आपाश्वसन कहा है मनोवैज्ञानिक रिबेल ने, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें या फिर मित्रवत व्यवहार करें, तो यहाँ पर जो किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है तो सही आंसर होगा स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर युवावस्था में, राइट आंसर आपका होगा जो बालक का समाजीकरण होता है ये बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है, किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है सामान्य रुचियाँ अधिक होती हैं, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी या फिर अपने वे समूह के साथ निष्क्रिय भागीदारी, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, ये किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छदम परिपक्वता की अवस्था कहा है, फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी बार इस प्रश्न के बारे में जिक्र किया था और बताया भी था, एडलर, रास, क्लेपेट्रिक या फिर स्ट्रेंग, राइट आंसर आपका होगा रास, रास के द्वारा बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छदम परिपक्वता की अवस्था कहा है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर या फिर लालच, तो किशोरों को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किस काल में बालक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के योग्य हो जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बालक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के योग्य हो जाता है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था, राइट आंसर यहाँ पर होगा किशोरावस्था, किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था, युवावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था, राइट आंसर आपका होगा बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था उसको, या फिर बाल्यावस्था सीधे डायरेक्टली भी यदि बाल्यावस्था आ जाए तो भी सही आंसर होगा, बाल्यावस्था को भी प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। किसी अवस्था में अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है।
अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 100 प्रश्न, यानी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न मिलेंगे। सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट जल्दी ही आने वाला है, उसमें भी आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण पूछा गया है पीढ़ियों को अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन या फिर निराशा व निसहायता। राइट आंसर होगा अवसरों की प्रतिकूलता, ये किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। तो यहीं पर आज के 50 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। जल्दी हम थर्ड पार्ट में आपसे मिलने वाले हैं, जिसमें आपको शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। जल्दी दोस्तों अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।